टोलू बालसम, व्हाट इज द सैनोनिम्स, समानार्थी शब्द टोलू बालसम का टोलू बालसम ही होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, जैविक स्रोत है मैरोक्सोलोन बालसमम। फैमिली कुल इसका क्या होता है टोलू बालसम का, लेगुमिनोसा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, रासायनिक घटक होता है सिनामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। थेरापीटिक यूजेज ऑफ टोलूबालसम, टोलूबालसम के चिकित्सकीय उपयोग या प्रयोग क्या है आइए देखते हैं। यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, टोलूबालसम का इस्तेमाल हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे करते हैं, स्वाद देने के तौर पे करते हैं। जैसे मेडिसिन अगर आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सीरप्स का फॉर्मेशन कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें मिठास देने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। च्युइंग गम जो होता है उसमें फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे करेंगे। परफ्यूम्स के जो आइटम्स बनाए जाते हैं उसमें भी हम टोलू बालसम का इस्तेमाल करते हैं। सिनामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड आर एंटीसेप्टिक, ये क्या होते हैं, बेंजोइक एसिड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है टोलू बालसम का वो एंटीसेप्टिक होता है एंड यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड। इसका इस्तेमाल हम औषधि सहायकों के तौर पे करते हैं। आल्सो यूज फॉर, इसका इस्तेमाल और भी कौन कौन से जगहों पे किया जाता है, कफ एंड लंग कंजेशंस में करते हैं इसका, खांसी और लंग में जो जमाव होता है बलगम या कफ का उसे निकालने के लिए करेंगे। स्किन रैशेस एंड वुंड, इसका इस्तेमाल हम स्किन पे चकत्तों को दूर करने और वुंड घाव को ठीक करने में करते हैं। हेयर लाइस में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके बालों में जू पड़ गए हों तो उसे निकालने के लिए भी हम टोलू बालसम का इस्तेमाल करेंगे। स्किन पैरासाइट्स एंड रिंग वॉर्म, इसका इस्तेमाल हम रिंग स्किन पैरासाइट मैंने स्किन की स्किन परजीवियों और दाद में के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। कोल्ड फ्लू एंड स्ट्रेप थ्रॉट्स, कोल्ड सर्दी जुकाम जो और फ्लू और स्ट्रेप थ्रॉट्स के ट्रीटमेंट में भी हम टोलू बालसम का इस्तेमाल करते हैं।